ओके, तो फाइनल रेसलमेनिया 39 के बाद हमें इन रिंग एक्शन के अंदर हमारे ट्रेवल चिप रोमन रेंस कब देखने को मिलेंगे। और सबसे खास बात, अकॉर्डिंग टू डेम मेल्जर, रेसलमेनिया 39 को कौन सा ऐसा मैच था जो कि 5-स्टार रेटिंग वाला था, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर क्या अपडेट है करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, ये भी जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई आज का स्मैकडाउन जैसी ट्रिपल थ्रेड मैच से स्टार्ट हुआ, मैं पहले समझ गया भाई कि ये ट्रिपल एच का आइडिया। आपने अगर मेरा मॉर्निंग वाला वीडियो देखा हो तो ऑलरेडी मॉर्निंग वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता देते कि भाई आज का स्मैकडाउन साइड ट्रिपल एच ही कंट्रोल करने वाला है। रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने है उसके अकॉर्डिंग जहां पर स्मैकडाउन हो रहा था वहां पर एक्चुअली हमारे विंस मैकमहन गए ही नहीं, तो वहां सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच ही गए। और इसलिए आज का जो स्मैकडाउन का शो था वो पूरी तरह से यहां पर ट्रिपल एच के कंट्रोल में था, यहां पर कोई भी यहां पर इन्फ्लुएंस यहां पर विंस मैकमहन का नहीं था। वैसे मैं सही बताऊं तो मुझे आज का स्मैकडाउन का शो कुछ खास नहीं लगा, आप लोगों को कैसा लगा सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लोग बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 39 के सारे मैचेस का रेटिंग के बारे में, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैं पर्सनली यहां पर देखना चाहता था कि डेम मेल्जर यहां पर कौन सा मैच को कितना रेटिंग देता है। भाई आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने पूरे रेसलमेनिया के अंदर सिर्फ एक मैच को मैंने 5-स्टार रेटिंग दिया था, वो था सैमी जेन केविन ओवेंस वर्सेस उसोस का मैच। और एग्जैक्टली डेम मेल्जर की तरफ से जो रेटिंग निकल कर सामने है उनके लिस्ट में सिर्फ एक ही मैच 5-स्टार रेटिंग वाला है, जो कि हमारे उसोस वर्सेस केविन ओवेंस और सैमी जेन का। वैसे बाकी मैचेस का भी आप लोग रेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सिना को यहाँ पर मिला 2.5-स्टार का रेटिंग। साथ ही साथ यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच मिला, यहाँ पर 4.5 रेटिंग। वैसे अगर आप लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हो कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच का कितना रेटिंग मिला था, तो भाई इसका अकॉर्डिंग टू डेम मेल्जर मेरा 4.5 रेटिंग। एक्जेक्टली उस दिन मैंने भी 4 रेटिंग दिया था, 4.5 नहीं दिया था, पर हाँ ये मैच उसोस के लेवल का एक्चुअली में था ही नहीं। वैसे आप लोगों को कौन सा मैच रेसलमेनिया के अंदर सबसे बेस्ट लगा था सारे लोग कमेंट सेक्शन में अगेन आप लोग बता सकते। नेक्स्ट लोग बात करते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में, इनका नेक्स्ट प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या होने वाला है। तो भाई देखो करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रोमन रेंज बैकलेस के अंदर कोई भी मैच वगैरह रेसल नहीं करने वाले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि रोमन रेंज के लिए बैकलेस के अंदर कोई अपोनेंट ही नहीं, यहाँ पर ब्रॉक लेसनर फेस करने वाला बैकलेस के मेन इवेंट के अंदर यहाँ पर कोडी रोड्स को। वैसे मैं आपको बता दूं बैकलेस के बाद रोमन रेंज एक एक्टिव रेसलर बनने वाला, आई थिंक मनी इन द बैंक पेपर व्यू के अंदर रोमन रेंज का मैच वगैरह भी होने वाला। मैं बता दूं आपको अभी तक इस बात का कोई भी रिवील नहीं हुआ कि रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला, आई थिंक ड्राफ्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा कोई नेक्स्ट अपोनेंट। वैसे आज के स्मैकडाउन के शो के ऊपर ट्रिपल एच ने बहुत बड़ा एक चीज अनाउंस किया था कि अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बड़ा ड्राफ्ट की तरफ जाने वाला, और अकॉर्डिंग टू करेंट रिपोर्ट आपको बैकलेस के बाद जो मंडे नाइट का शो होने वाला करीब एक मंथ बाद उसके अंदर आपको सारे ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं गलत हूं तो 7 या 8 मई को आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर मंडे नाइट का शो देखने को मिलेगा, जहां आपको ड्राफ्ट प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लोग बात करते अपने लोगन पॉल के बारे में, आई थिंक आप लोगों ने रिसेंट टाइम में न्यूज सुना होगा कि लोगन पॉल का एक्चुअल कॉन्टैक्ट वगैरह सारा चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ खत्म होने वाला है। पर भाई गुड न्यूज है कि रिसेंट टाइम में लोगन पॉल ने एक न्यू कॉन्टैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ साइन कर लिया है, और इस वजह उनका जो न्यू कॉन्टैक्ट होने वाला अप्रोक्स 2 ईयर का कॉन्टैक्ट न्यू होने वाला, मतलब 2 ईयर तक आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको लोगन पॉल देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको इनका नेक्स्ट अपोनेंट भी बता दे रहा हूँ, समर स्लैम के राउंड लोगन पॉल जो फेस करने वाले जॉन सिना को समर स्लैम के अंदर, और मे बी उस मैच के अंदर जॉन सिना को 100% विक्ट्री मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और साथ ही साथ यूएफसी कंपनी के बारे में। देखो जब से ये दोनों कंपनी कोलैब हुआ है बहुत सारे रिपोर्ट निकल कर सामने है कि आपको साथ यूएफसी के बहुत सारे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेंगे। पर भाई जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको 3 से 4 दिन पहले बताया था कि भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक अलग कंपनी, यूएफसी कंपनी एक अलग कंपनी। यूएफसी के अंदर रियल फाइट होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्क्रिप्टेड फाइट होता है, सारा स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चलता है। तो रिसेंट टाइम में डेना व्हाइट की तरफ से रिपोर्ट निकल कर सामने है, उनका भी यही कहना है कि आपको यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी दोनों मर्ज होते हुए कभी भी नहीं दिख सकता, क्योंकि यूएफसी एक अलग ब्रांड है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक अलग ब्रांड है, दोनों कंपनी का एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है एक्चुअली। देखो मेरे ख्याल से ऐसा फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि आपको यूएफसी के फाइटर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिल जाए, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फाइटर आपको यूएफसी के अंदर देखने को नहीं मिले। तो भाई यूएफसी बहुत ज्यादा खतरनाक, यूएफसी के अंदर रियल फाइट होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर उस तरह से फाइट एक्चुअली कर ही नहीं सकते। वैसे अगर आप कोई फाइट देखना चाहते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी के बीच में, तो सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं अपने द बाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो अगर आप मेरे एक्टिव यूजर हो गए तो करीब एक मंथ पहले से बहुत ज्यादा रूमर निकल कर सामने आया था कि रेसलमेनिया के अंदर बाइपर रैंडी ऑर्टन रिटर्न करने वाले। रेसलमेनिया से करीब 2 या 3 दिन पहले कुछ सोर्सेस को तो ये भी कहना था कि भाई रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी उतर चुके हैं जहां रेसलमेनिया होने वाला, उन्होंने स्पॉट भी किया रैंडी ऑर्टन। पर भाई सैडली रेसलमेनिया पेपर भी पूरा खत्म हो गया, पर हमें कहीं भी रैंडी ऑर्टन नहीं देखने को मिला। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको शायद रैंडी ऑर्टन बहुत ज्यादा दिन तक आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको शायद देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई एक्चुअली में रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने है उसके अकॉर्डिंग इनका जो बैक का जो इंजरी हुआ था अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो चुके हैं इंजरी से। तो आप लोग समझ सकते हो अभी भी रैंडी ऑर्टन को रिकवरी करने में आई थिंक 3 से 4 मंथ अभी उनको टाइम लगने वाला, उसके बाद आपको रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको रिटर्न होते हुए दिख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, बैकलेस के बाद जो ड्राफ्ट होने वाला उसके अंदर आपको शायद बहुत सारे रेसलर का रिटर्न होते हुए दिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बीगी देखने को मिल सकते हैं, एजे स्टाइल आपको देखने को मिल सकते हैं, टोमासो चैंपा जैसे बहुत सारे और रेसलर आपको शायद देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट लोग बात कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारा बैड न्यूज रिसेंट टाइम में निकल कर सामने आ रहा है। सबसे पहला बैड न्यूज ये कि अभी करंट टाइम में हमारा जो ड्रू मैकइंटायर है कोई माइनर इंजरी से, बहुत छोटा इंजरी से यहाँ पर गुजर रहे हैं, इसलिए आपको स्मैकडाउन के शो के ऊपर आपको ड्रू मैकइंटायर नहीं देखने को मिले। साथ ही साथ सेकंड बैड न्यूज है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको आई थिंक 2 दिन पहले बताया था कि करंट टाइम में 8 मंथ बाद ड्रू मैकइंटायर का कॉन्टैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ खत्म होने वाला है। रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकल कर सामने है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले से कुछ और ज्यादा मनी का डिमांड यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर कर रहे हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नहीं दे रही, इसलिए वो कंपनी छोड़
छोड़कर जा रहे वैसे भाई आई थिंक अभी 7 से 8 महीने अभी देरी है ड्रू मैकइंटायर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में। मे बी ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं डब्ल्यूए कंपनी के साथ। वैसे आपको क्या लगता है क्या ड्रू मैकइंटायर AEW कंपनी के अंदर जाने वाला, क्योंकि भाई ड्रू मैकइंटायर बहुत ज्यादा हार्डकोर रेसलिंग करते हैं। सेकंड चीज, ड्रू मैकइंटायर का अभी डब्ल्यूए के अंदर करंट टाइम बहुत अच्छा बुकिंग नहीं हो रहा, साथ ही साथ अभी ड्रू मैकइंटायर का रेसलिंग करियर काफी लंबे टाइम तक अभी बचा हुआ है। लेट्स सी अब ड्रू मैकइंटायर का क्या डिसीजन होता है, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पर्सनली चैट में बात करता हूँ।